उद्धार हो जाएगा। यस नो? तो दोस्तों ऐसे महान पर्सनालिटी को मैं बुला, मैं नहीं बताना चाहूंगा कि कैसे सर को बुलाना, जितने ग्रेट पर्सन को मैं सर पे बुलाने वाला हूं। माननीय कंपनी के टॉप लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक, माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी जी। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से इस जमीन। सभी को मेरा नमस्कार। जब से यहां आया हूं लग रहा है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप लोग का उत्साह देखकर। तो इतने जबरदस्त लीडर्स और इतनी जबरदस्त टीम के लिए मेरी ओर से एक बड़ा सैल्यूट। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सम्मान से बुलाया। लेकिन इस सम्मान के हकदार वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस टीम को बनाया है। और इस टीम को बनाने में एक शख्स का बार बार नाम आ रहा था, घनश्याम जी का। तो घनश्याम जी को, जिन्होंने इतना अच्छा लीडर तैयार किया और इतनी अच्छी टीम बनाई, उनको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। भूषण जी को बधाई, दीपक जी को बधाई, परशुराम जी को बधाई, और बधाई आप सबके मेंटर, और उसके बीच में भी और लोग हैं, रवि जी को बधाई, महेश टेलर जी को बधाई, ये सारे आपके अप्लाइंस हैं। माधवी सारे नाम हो गए। अभी मैं माधवी से पूछ के आया हूँ कुछ नाम। और इन सबके मेंटर जिन्होंने इस पूरी की पूरी टीम को तैयार किया, मार्गदर्शन दिया, आप लोगों को संस्कार दिए, उस लीडर को जो यहाँ मौजूद है, जो क्राउन लीडर है और उनका नाम है मिस्टर माधव सिंह कुशवाहा, उनको ढेर सारी बधाई आप लोग को भी। माधव जी के अप्लायंस ग्रेवाल जी, जो जिन्होंने सिखाया माधव जी को, जिन्होंने जैसे घनश्याम जी ने ध्यान रखा, आज आपके लीडर अच्छे जी का, उसी तरीके से ग्रेवाल जी ने ध्यान रखा माधव जी का, एक एक चीज का। मुझे वो समय भी याद है जब माधव जी गोल्ड थे, मुझे वो समय भी याद है जब इनकी टीम बन रही थी, बिगड़ रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। जब माधव जी गोल्ड थे उस समय शायद मैं डायमंड रहा हूँ, हम लोगों ने एक रूम शेयर किया था, एक ट्रेनिंग हुई थी जयपुर में, तब से मैं इनके साथ में, पहली मेरी मुलाकात इनसे तभी हुई थी जब ये गोल्ड बने थे, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता उसके पहले एक आध मुलाकात ऐसे हुई हो, लेकिन आपसी बातचीत तब हुई थी। तो वो समय से ग्रेवाल जी ने इनका पूरा ध्यान रखा और इनको संभाल के रखा, और एक इनको संभाल के रखने के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में सेफ शॉप का बहुत बड़ा नाम हो गया। तो ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां। ग्रेवाल जी के सीनियर ओम प्रकाश जी, जिनको पावर हाउस कहा जाता है एक्साइटमेंट का, जिन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क की नींव रखी, उनके उत्साह के कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करे कि बहुत सारे लोगों ने किया और उसके बाद फूले फले और बढ़े। और उनका मार्गदर्शन देने वाले मेरे वो लीडर मिस्टर संजय जैन, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाने में दिन रात पढ़ पढ़ करके, दिन रात सीख सीख करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाने में मदद की, इतना अच्छा सिस्टम आपके लिए लेके आए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स तैयार की, जिसके कारण इंसान केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं बना, वो सीख भी पाया कि किस तरीके से इस बिजनेस को करना है और किस तरीके से एक इंसान बनना है। तो ऐसे संजय जैन जी और ओम प्रकाश जी के लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ। दोस्तों ये नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कहा जाता है कि अपलाइन है,
कहा जाता है कि मैं सबका अपलाइन हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सबके नीचे हूं। क्योंकि जब यदि वृक्ष की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, तो जड़ें जितनी ज्यादा नीचे होंगी वो वृक्ष उतना बड़ा विशाल होगा। और ये जितने भी आपके अपलाइन हैं, ये आप लोगों के लिए जड़ का काम कर रहे हैं, और हम लोग आपके टॉप में नहीं है, हम आप लोग के बॉटम में हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत जैसे आपने की वैसे ही हम लोगों ने भी की थी। हम लोग कहीं आसमान से अवतरित नहीं हुए थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इनमें कुछ खासियत रही होगी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे होंगे, इसलिए ये लोग ऐसा कर पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत जैसे आपने की, जैसे लोगों ने आपको मना किया। जब आप वो वीडियो देख रहे थे तो आप देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अच्छे यादव जी को मना कर रहे थे। और जब उनको मना कर रहे थे, मैं देख रहा था कि यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा दुख हो रहा था। और जैसे एक व्यक्ति ने हाँ कही, यहाँ सारे के सारे लोग खुश हो गए। आप लोगों ने तालियां बजाई थी उस समय जब पहला व्यक्ति इनके साथ में आया फिल्म में ही सही। हेलो, ये वो जगह है जहां पर हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं। ये केवल पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये इंसान बनने और बनाने की जगह है, जिसका नाम सेफ शॉप है। मुझे याद है वो दिन जब हम लोग शुरुआत कर, जब हम लोगों ने काम किया था। मुझे याद है कि मैं संजय जी के साथ 1-to-1 किया करता था, जाकर के लोगों से मिला करता था। लोग हाँ तो कहते थे लेकिन डीडी नहीं देते थे। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? संजय जी मुझसे कहते, सर क्या हो रहा है? मतलब कुछ नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है। देखा था हम लोगों ने यहाँ सफलता प्राप्त की है। मैंने कहा यदि लोग सफल हो सकते हैं संजय, तो हम भी सफल हो सकते हैं। संजय भी मुझे ढांढस बताते थे और मैं भी उनको हिम्मत दिलाता था। संजय कहते थे, सर चिंता नहीं करिए, लाइन लगेगी एक दिन। और मैं कहता था, संजय चिंता मत करो, एक दिन यह आंदोलन बनेगा हिंदुस्तान में। और दोस्तों, जो हम लोगों का धैर्य था वो परवान चढ़ा, जो हम लोगों की मेहनत थी वो कामयाब हुई। और आज वास्तव में लाइन लगती है सेफ शॉप में। हालांकि हम लोगों ने वो लाइन खत्म कर दिया, वो कैश जमा करने का सिस्टम ही बंद कर दिया। क्योंकि जब टारगेट होता था तो इतने लोग होते थे कि 12 बजे कहना पड़ता था, चलो एक दिन और बढ़ाया, कल जमा कर देना। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी थी। तो अब तो केवल ऑनलाइन हम लोग करते हैं, केवल ऑनलाइन ही पैसे लिए जाते हैं। अब कोई पैसे उस तरीके से नहीं लिए जाते कि आप वहां पे जा करके पैसे जमा कर दें, क्योंकि लाइन भी इतनी बड़ी लगने लगी कि वो बर्दाश्त से बाहर थी। तो इंटरनेट तो कितनी भी लाइन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक ऑफिस तो कितना भी बड़ा हो उसकी सीमा होती है। मैंने कहा था आंदोलन बनेगा। दोस्त, ये आज आंदोलन बन चुका है। आज जब अच्छे यादव जी की पत्नी कहती हैं कि हमारे घर में सब्जी नहीं थी, लेकिन आज उनकी जिंदगी बदली है। तो मैं समझता हूं इस बिजनेस को जहां पहुंचना चाहिए था, ये बिजनेस वहां पहुंच चुका है। दोस्तों, यही तो सपना था जिन लोगों ने इस देश को बनाया था, जिन लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे कि देश अपने पैरों पे खड़ा हो, समाज के अंतिम स्थान पे जो आदमी खड़ा है वो भी सामने आ सके। और वो स्थिति सेफ शॉप के कारण संभव हो पा रही है। ये लेकिन उन्हीं के कारण संभव हो पा रहा है, उन्हीं लोगों के लिए संभव हो पा रहा है जो लोग इसको दिल से कर रहे हैं, प्राणपण से कर रहे हैं, जो लोग उन सारे सिद्धांतों को मान रहे हैं जो सिद्धांत पंडित जी आपने बताए थे यहां आकर के। गुरु जी ने जो सिद्धांत यहां बताए थे, वो 7 सिद्धांत बताए थे। आप केवल उतना सा वीडियो ही ले लेना कट करके जो इन्होंने बताया था। यदि उन 7 चीजों को आप मान लेते हो, जैसा कि हर सफल व्यक्ति ने माना है,
तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां अच्छे यादव जी पहुंचे हैं, जहां माधव जी पहुंचे हैं, जहां संजय जैन जी पहुंचे हैं, जहां ओम प्रकाश जी पहुंचे हैं, जहां आपके सारे लीडर्स पहुंचे हैं, जहां अग्रवाल जी पहुंचे हैं। तो आपके लिए भी वो सारा कुछ संभव होने वाला है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लगातार करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार नहीं करते। हम लोग बीच बीच में भटक जाते हैं, हम लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं, हम लोग मनोरंजन के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बार एक राजा ने क्या किया, उसने कहा कि जो भी व्यक्ति सवेरे से चलेगा और शाम को मेरे महल में पहुंच जाएगा, मैं उसको अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। लोगों ने राजा को चिताया कि आप क्या बोल रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। बोले चलिए देखते हैं। राजा ने क्या किया कि जो उसी शहर में, उसी गांव में, पूरे अपने राज्य में मेला लगा दिया, आमोद प्रमोद के साधन इकट्ठा कर दिए। तो लोग तो घर से निकले, उन्होंने कहा शाम को पहुंचना है ना राजा के यहां, तो दिन भर तो हम लोग इसका आनंद ले लेते हैं, शाम को वहां पहुंच जाएंगे। और लोग आमोद प्रमोद में ऐसे डूबे कि एक भी शख्स शाम को राजा के यहां नहीं पहुंच सका। तो ऐसी जिंदगी है हमारी, हमको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों का त्याग हमको करना पड़ेगा। कुछ दिनों का, बजा लीजिए ताली, कुछ दिनों के लिए आमोद प्रमोद से दूर रहना पड़ेगा। जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, चाहे वो कपिल देव थे, चाहे वो सीनियर एक्टर्स थे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बताई कि हमारे सफलता के रास्ते में हमको ये पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं था। तो हमारे ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनको नहीं मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जान लें, और यहां से हमें डायमंड का लड्डू भी ले लें। तो दोस्त, दोनों लड्डू एक साथ हाथ में नहीं आते, एक बार डायमंड का लड्डू ले लो, उसके बाद डायमंड का लड्डुओं का कटोरा, थाल या बरसात आपके घर में होने वाली है। आप एक बार, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रख लो। कहते हैं कि भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, सुना है आप लोगों ने, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब छप्पर फटता है ना तो हमें कष्ट होने लगता है, और हमें कष्ट होने लगता है, और हम कहते हैं भगवान ये एक छप्पर ही तो था, वो भी तू फाड़ रहा है, और हम कहते हैं भगवान ये छप्पर नहीं फटना चाहिए, फिर वो छप्पर फटना बंद हो जाता है। तो दोस्त, जब आपका महल बनना होगा तो याद रखना, सबसे पहले आपका छप्पर फटेगा, उस छप्पर के फटने के लिए तैयार रहना, उस चुनौती को झेलने के लिए तैयार रहना, वो मेहनत करने के लिए तैयार रहना, जो सफलता की कीमत होती है। क्या आप लोग सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं? यदि आप सफलता की कीमत देने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके आपके कदमों में है, लेकिन यदि आप सफलता की कीमत, हर चीज की कीमत होती है, यदि आप सफलता की कीमत नहीं देना चाहते तो आपको वो सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं जब इतनी अच्छी टीम यहां पर मौजूद है, जिसके लीडर्स इतने संघर्षवान हैं, जिन लीडर्स ने संघर्ष करके बताया, तय करके सिद्ध कर दिया कि हम किस तरीके से, चाहे जिंदगी में कुछ भी चैलेंज आए, हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चरैवेति चरैवेति का सिद्धांत का पालन करेंगे, और हम उस दिन एक दिन जरूर मंजिल पहुंचेंगे, क्योंकि जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल को पाते हैं। तो हमें लगातार चलना होगा, हमें रोज चलना होगा, हमें रोज बूंद बूंद करके काम करना होगा, अपना घड़ा भरना होगा। सुबह का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कितने लोग हैं जो 6 बजे के बाद उठते हैं, ये बताइए। अच्छा छोड़िए, कई लोग ईमानदारी स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे, कितने लोग हैं जो 6 बजे के पहले उठ जाते हैं? देखिए, समझ में आ रहा है, आधे लोग हैं। तो आपके लिए ये 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय है, ये आपके लिए बोनस सिद्ध हो सकता है, और 6 बजे उठ के भी कुछ नहीं होने वाला है यदि 6 से 8 कुछ नहीं किया तो। केवल उठना नहीं है, मालूम पड़ा उठने के बाद आपने क्या किया कि टीवी चला लिया और टीवी के आगे बैठ गए, या फिर कोई दूसरे ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों में लग गए जिसका कोई आपकी जिंदगी में योगदान नहीं है, ऐसे कामों में लग गए। ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं, आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, आप उसमें
आधे घंटे में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक घंटा आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं, जिसमें आप अपने दैनंदिन कार्य भी पूरे कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक घंटे में सब कुछ हो सकता है। और उस एक घंटे के बाद जो अगला एक घंटा है, उस एक घंटे में आप 7 से 8 के बीच में अपने टीम के लोगों से बात कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो रोज 8 बजे सुबह मेरे घर में एक गेस्ट होता था, मुझे जाना नहीं पड़ता था। मैं लोगों से बोलता था, यार कल मेरे यहाँ आप चाय पे आमंत्रित हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, मुझे ऑफिस जाना होता था। तो 8 बजे मेरा एक दोस्त कोई ना कोई मेरे घर में चाय पे ज़रूर आता था। तो जब मैं उसको चाय पिलाता था तो साथ में वाय भी पिलाता था। वाय क्या होती है? हमारी बातचीत, हमारा प्रेजेंटेशन। और यदि 30 दिन में यदि 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया तो आप क्या सोचते हैं, 10 लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? तो वो सुबह के समय का मेरा उपयोग था, 8 से 9 का। और उनसे वो कहते थे, तब हम लोग कंप्यूटर का जो एजुकेशन का पैकेज है उसको ज़्यादा प्रमोट करते थे। वो कहते थे, कंप्यूटर सीख के मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर मेरे किसी काम का नहीं है। हम उनसे पूछे थे, यदि मान लो तुम्हारी नौकरी में तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, यही तनख्वाह होती थी सरकारी नौकरी में। बोलते इतनी। मैंने बोला, यदि मान लो कि तुमको संस्कृत सीखने के 50,000 मिलेंगे तो तुम सीखोगे? क्या जवाब होना चाहिए था? बोले हाँ जरूर सीखेंगे। तो मैंने बोला, जब 2,00,000 रुपये हफ्ता मिलने की बात है तो फिर ये कंप्यूटर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बोले सीखना चाहिए, बताओ क्या करना है। और उन्हीं के हाथों से उनका रजिस्ट्रेशन करवाता था कंप्यूटर पे। बोलते थे, कंप्यूटर इतना आसान होता है क्या? एक्चुअली कितने लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं चलाते? छोड़िए, गलत सवाल, कितने लोग हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं? नहीं चलाने वाले ना, हम लोग को पता नहीं क्यों खड़ा करने में, हमें अपनी कमजोरी बात करने में पता नहीं क्यों हमें बड़ा शर्म आती है। यदि हम नहीं चलाना जानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज का समय है कि कंप्यूटर चलाना सीख लें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले हम लोगों को पता पूछना पड़ता था, आजकल पता हमें नहीं पूछना पड़ता, गूगल मैप बताता है मोबाइल पे, हमें पता नहीं पूछना पड़ता। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी मैं लोगों से कहता था कि भैया यदि कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे कहेंगे, पापा आपको इतना भी नहीं आता। अभी आप कहते हो, बेटा तुमको इतना नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में बच्चे ऐसा कहने वाले हैं। और वो समय देखिए, 16 साल में आ गया है, लोग अपने माँ बाप को क्वेश्चन करने लगे, पापा आपको इतना सा नहीं आता, आपको इतनी सी बात नहीं आती, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। और कंप्यूटर चलाना कितना आसान है, जिस आदमी के पास दिमाग है और जो उंगली चला सकता है, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं कंप्यूटर चलाने के लिए, ABCD कोई भी समझ सकता है थोड़े दिनों के बाद। इतना सा यदि कर सकता है तो वो कंप्यूटर चला सकता है। तो मैं लोगों को रोज सुबह जरूर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाता था। और जब सारे लोग सीख गए वो प्रेजेंटेशन, जब मेरी टीम में इतने लोग बढ़ गए कि अब लीडर्स आ गए थे, तो मैंने खुद प्रेजेंटेशन दिखाना 1-to-1 बंद किया। शाम को 7 से 9 रोज प्रेजेंटेशन दिखाता था मैं, रोज 7 से 9 एक हॉल में लोगों को बुलाता था और वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाता था। फिर वहां भी लोग तैयार हो गए प्रेजेंटेशन दिखाने वाले, वहां से भी मैं फ्री हो गया, सवेरे भी फ्री हो गया। तो सवेरे मैं फिर लीडर्स को काउंसलिंग के लिए बुलाने लगा 8 से 9 के बीच में, कि भाई आओ मेरे घर में और हम लोग बैठ करके बात करेंगे, ये बिजनेस आपने क्यों किया था और किस तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हो। मेरे पास समय नहीं होता था, वो मुझे 11 से 5 ऑफिस होता था कहने के लिए, लेकिन कभी मैं 7 बजे, कभी 9 बजे, और जब और भी काम होते थे तो कभी कभी रात भर भी हम लोगों को ऑफिस में बैठना पड़ता था, कभी जिम्मेदारी की नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद रोज लगातार मैंने सेफ शॉप के बिजनेस को किया, कहना गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं किया इस बिजनेस को, मैंने इस बिजनेस को जिया है, इस बिजनेस को मैंने खाया है, इस बिजनेस को मैंने पिया है, इस बिजनेस को मैंने सोया है, और इस बिजनेस को मैंने, जो भी आप कह सकते हैं, मैंने दिन रात मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी, जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है वैसे दिमाग में केवल सेफ शॉप, बस यही चलता था। तो जब आपका फोकस यदि किसी एक जगह पर है, यदि आप सवेरे से लेकर रात तक हमेशा ये कहते हैं कि मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, तो कहते हैं 24 घंटे में एक बार
सरस्वती आपके जवान पे निवास करती है, तो एक बार कही बात तो पूरी हो ही जाएगी। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्वीकार करने भर की बात है। आपका हमारा सबके पास एक राइट माइंड है और एक लेफ्ट माइंड है। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, एक तार्किक है और एक सबकॉन्शियस है, जो सोचता है, जो जो विजन, जो विजुअल, जो विजनरी होता है। तो जब आपका अपलाइन कहता है कि तुम डायमंड बन जाओगे, जो तार्किक दिमाग है वो कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज तक कभी, वो कह रहे थे ना अभी आपके लीडर अच्छे यादव जी कि मैं हमेशा ना, माधव जी कह रहे थे कि मैं हमेशा सेकंड आया, बीच में आया, ना टॉप में आया ना कभी बॉटम में आया। क्यों? क्योंकि ऐसा होता आया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं टॉप पे आया, तो यहां कैसे टॉप पे आऊंगा। लेकिन यहां टॉप पे बैठे कि नहीं बैठे? मुझे मेरे एक शिक्षक, जब हम लोग ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाते थे शुरुआती दिनों की बात है, मेरे स्कूल के एक शिक्षक थे वहां बैठे हुए थे, उन्होंने बोला राजीव तुम बोलते हो सब लोग डायमंड बन जाएंगे, सब डायमंड बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि क्लास में हर आदमी फर्स्ट आता है? होता है ऐसा? उन्होंने मुझसे पूछा कि राजीव ये बताओ तुम कहते हो सब डायमंड बन जाएंगे, मैं भी नहीं बना था तब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी डायमंड बनेगा, हर आदमी फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सही कह रहे हो, क्लास में हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ हर आदमी डायमंड बन सकता है, क्योंकि यहाँ हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आने के लिए एक साल नहीं है। आप दो साल में बन सकते हो, आप तीन साल में बन सकते हो, आप चार साल में बन सकते हो, आप पाँच साल में बन सकते हो, यह आपके हाथ में है। तो यहां बैठा हर आदमी फर्स्ट आ सकता है, यहां बैठा हर आदमी डायमंड बन सकता है, बस कीमत उतनी चुकानी पड़ेगी जितनी अच्छे यादव जी ने चुकाई है, जितनी आपके सीनियर्स ने चुकाई है, वो कीमत बस आपको देनी है। क्या वो कीमत देने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? आप लोग इतने कमिटेड हैं ना कि सवेरे से मैं देख रहा हूं लगातार अपनी सीट से आप हिले भी नहीं है। आपको कौन आपकी सफलता से हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। मुझे आने वाले समय के, मुझे आने वाले समय के जो 1000 डायमंड की बात कर रहे थे माधव जी, वो सारे के सारे यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं कि बिजनेस क्यों करना है, वो मेरी सीडी में सुन लेना आप, ठीक है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप लोग समझते हो कि इस बिजनेस क्यों करना है, इसलिए आप लोग हिले नहीं हो। आप लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि आप मूव मत करो, आप लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता है कि बाहर से अंदर आओ जाओ, नहीं, आप लोग अपनी सीट पे जमे हुए हो। देखिए जो लोग भी अपनी क्लास में नहीं जम पाते थे, भागा करते थे, वो लोग कभी भी जिंदगी में सीनियर ऑफिसर नहीं बने। बने क्या? नहीं बने। तो ये बात तो पक्की है कि जिसने अपनी सीट पकड़ ली उसकी सफलता की सीट सुनिश्चित है। तो आप लोग की तो सफलता की सीट सुनिश्चित है। चलो क्लास में नहीं बैठे, यहां बैठना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि एक जगह जमकर बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप जम करके बैठ गए तो कोई आपको नहीं उठा सकता, फिर आपकी सफलता आपको मिलनी मिलनी है। तो आप लोगों का कमिटमेंट इतना शानदार है कि आप लोग खुद समझते हैं इस बात को, आपको किसी को बताने के, आपके लीडर्स इतने जबरदस्त हैं कि उन्होंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको अपने सीनियर्स का सम्मान करना है और किस तरीके से इस बिजनेस को लगातार करना है। तो वो संस्कार आपको दिए। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है यदि आप अपनी पसंद का काम कर लें, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस काम को आप एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कब आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर पहुंचने के लिए आप आए थे, आपको पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग सवेरे यहां बैठे थे हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, मैंने आज तक कितने, आप जैसे आज का कार्यक्रम हुआ है ऐसे कितने कार्यक्रम देखे मैं गिन भी नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज भी यहां बैठने मजा आता है, मुझे आज भी आप लोगों की बात सुनने मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग, किसी ने मुझसे पूछा कि राजीव जी बताइए इस बिजनेस में आपको क्या मिला, आप कैसा महसूस करते हैं इस बिजनेस में आकर के, जाना चाहेंगे? मुझे लगा कि मेरे पता नहीं कितने सारे जन्म सार्थक हो गए यहां आकर के, क्योंकि ये जिंदगी तो मैं कभी भी जो नौकरी कर रहा था वहां आकर के ये सुख मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था,
जैसा कि अच्छे यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक आंख में खुशी के आंसू देखे कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आज मैंने हजारों आंखों में ये आंसू खुशी के आंसू देखे हैं तो मुझे कैसे नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। तो यदि आप अपनी जिंदगी सार्थक करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे अच्छा काम है ही नहीं। नौकरी करेंगे सुनना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे कब पॉलिसीज चेंज हो जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं उनको झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं लोग, लेकिन बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और जब बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो हमेशा कष्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या, जो बीच में धक्के लगते हैं ना, वो धक्के से हिलने लगता है इंसान। तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, धक्के लगते हैं। एक हमारा ही बिजनेस है जिसमें कम से कम आर्थिक धक्का नहीं लगता है, मन को धक्का लगता है किसी ने मना कर दिया तो। लगता है कि नहीं लगता है? किसी ने मना कर दिया यार नहीं करूंगा ना, तो बड़ा दिल खराब होता है, लगता है ये छोड़ो अपनी घंटी माला और चले अपने घर, बोले नौकरी कर लेंगे लेकिन किसी का ना नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्त जिसको भी बड़ा बनना है ना, वो ना सुन करके ही बड़ा बनाए। और हमारा बिजनेस जिसमें ना सुनने की भी कीमत मिलती है, मालूम है आपको कितनी कीमत मिलती है ना सुनने की? हाँ जी 2 लाख पर वीक, वो तो बाद में पता चलता है। डायमंड बनने तक कितनी कीमत मिल चुकी होती वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कितने पैसे मिलते हैं, हाँ जी 500, दूसरा आ गया तो 500 यानी 1000, और ये 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ता है, तो 10 लोगों में 1000 आए तो एक आदमी पे कितने मिले, 100 रुपये। गलत है ये गणित, हर आदमी पे हमको 5000 रुपये मिलते हैं यदि किसी ने ना भी कह दिया तो। कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता आपको, कुछ सीनियर्स को मालूम है बस। ये मेरा कैलकुलेशन है कि हर आदमी जिसके पास जाते हो वो इस बिजनेस को करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपको 5000 रुपये मिलेंगे। अब इसको समझ भी लो कि कैसे मिलेंगे, ये मेहनत वाला रास्ता है। मैंने सारे डायमंड से पूछा कि तुमको सॉरी मैं तुम तो बोलता ही नहीं, अब भूल गया मैं तुम बोलना, और इस बिजनेस की देन है ये कि आपको इस बिजनेस में 10,000 की टीम बनाने में 50 लाख रुपए कमाने में कितने लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाना पड़ा, मालूम है क्या बोला उन्होंने? एक भी डायमंड ने ये नहीं बोला कि उसने 600 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया हो 1-to-1। मेहनत तो हमारी वही है ना 1-to-1, उन्हीं 600 लोगों से तो हाँ या ना सुनते। तो मैंने सोचा यदि 600 को यदि 1000 का फिगर ले लें, यदि हमको 1000 लोगों से मिलना पड़े 50 लाख रुपए कमाने के लिए, 1000 लोगों से मिलना पड़े, आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये बताइए पहले। तो यदि आप 1000 लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं और 1000 लोगों में से मात्र 200 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 800 लोग मना कर देते हैं, तो आपके बिजनेस में कितने लोग आए, कितने लोग आए? और वो जो 200 लोग आपके बिजनेस में आए थे जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, उन 200 में से केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम कितनी हो जाएगी? केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं, बहुत साधारण सा सवाल है यार, 5वीं क्लास से भी छोटा है। 1000 लोगों की टीम बन जाएगी, ठीक है? क्या वो 1000 लोगों की टीम बनाने में आपने 1-to-1 दिखाया था? नहीं दिखाया, दिखाया भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि आपको सिद्धांत पता पड़ गया है, लेकिन आपको नहीं दिखाना पड़ता क्योंकि 200 लोगों की टीम को आपको बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है। अभी आपका रोल बदल जाता है, अब आप ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। और जब 1000 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उस हजार में से केवल 10 लोग 1000-1000 की टीम बना ले, 1000 में से केवल 10 लोग 1000-1000 की टीम बना ले, तो आपकी टीम कितनी बनती है, कितनी बनती है? और 10,000 की जब आपकी टीम हो जाती है तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 50 लाख रुपए। लेकिन आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था? 1000। पैसे कितने मिले? 50 लाख को 1000 से भाग दे दो, 5000 आया। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई?
आपको लगता है जादू है, हाँ ये जादू है, लेकिन ये जादू समझने की जरूरत है। ये जादू जब कोई मना करता है ना तब समझ में नहीं आता। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, जिस दिन से मुझे समझ में आने लगा मैंने बड़े धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने 5 नहीं 7 लोगों को प्लान दिखाया था घूम घूम करके, दिन भर, संडे का दिन था। जब घर लौटा तो वाइफ ने पूछा कितने लोग ज्वाइन हुए, आप सभी पूछती होंगी, कितने लोगों ने इस बिजनेस को करना स्वीकार किया। मैंने बोला किसी ने नहीं। बोले आज का दिन बेकार हो गया, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ आज संडे मनाते। मैंने कहा डार्लिंग एक दिन हर दिन संडे होगा, चिंता मत करो। और दोस्तों हुआ, वो दिन आया जिस समय क्लोजिंग थी ना, वो 7 के साथ 1 साथ आ गए। मैंने कहा कि देखो भगवान जो है वो, उसने रावण ने भी जब तपस्या की थी ना तो उसकी तपस्या भी उसने स्वीकार की थी, तो हम में से कौन ऐसा है जिसने रावण जैसे बुरे कर्म किए। हमारी भी तपस्या स्वीकार होनी है, लेकिन तपस्या करने का काम तो शुरू करो, राइट। तो बस काम करते गए, एंजॉय करते गए, हर चीज में खुशी ढूंढी, हर बात में खुशी ढूंढी, हर मिलने वाले से खुशी ढूंढी। आज की डेट में भी जब मुझे कोई रास्ते में मिल जाता है, वो बोलता आप क्या करते हो, मैं बताता हूँ ये करता हूँ, बोले वो वही वाला बिजनेस, मैं बोला हाँ वही वाला बिजनेस, तो बोलता उसमें ये होता वो होता। मैंने नहीं, एक बार तुम समझ लो, मेरे दोस्त हैं लखनऊ में तो लखनऊ वाले व्यक्ति को बता दिया, कलकत्ता में तो कलकत्ता वाले को बता दिया। आज ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा गांव भी शायद नहीं होगा जहां पे हमसे जुड़े हुए लोग नहीं है। ये इस बिजनेस का की ताकत है। जब आप इस बिजनेस में नहीं होते हो तो आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो तो आप उस पूरे के पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के 25 लाख परिवार का हिस्सा हो। वो 25 लाख आपके हैं, आप उन 25 लाख लोगों के हो। पूरे हिंदुस्तान में आपके परिवार के लोग हैं। आप किसी शहर में फंसते हो, कहीं कोई चैलेंज आता है, आप अपने अपलाइन को बताओ, आपका अपलाइन मुझे बताएगा, मैं वहां के लीडर को बताऊंगा और आपकी जो चैलेंज है वो पूरा हो जाएगा। तो इतने बड़े परिवार के, हम केवल इस बिजनेस में आ बस जाते हैं ना, हमको तो वो देखते 50 लाख मिले नहीं मिले, अरे छोड़ो पैसे को, पैसे तो मिलने ही मिलने यदि काम करोगे तो, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, ये भी तय है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस में भर आ जाते हो तो आप देखोगे कि आपके साथ कितना बड़ा परिवार जुड़ चुका है, आप कितने बड़े परिवार के हिस्सा हो, है ना। तो ये सारी चीजें कहां से हासिल हो रही हैं, कहां से हासिल हो रही हैं, इसी बिजनेस से हो रही हैं। तो मुझसे कोई पूछता है कि चतुर्वेदी जी ये बिजनेस ऐसा, मैं बोलता हूं समझ लेना, वो समझ लेता है। और कई लोग तो समझ लेते हैं और बिजनेस में आते हैं, और कई लोग समझ लेते हैं और बिजनेस में नहीं आते। वो फोन करते हैं मुझे, राजीव जी बिजनेस तो बहुत बढ़िया है लेकिन दिस नॉट कप ऑफ माई टी। समझते इसका क्या मतलब होता है, बिजनेस तो बहुत अच्छा लेकिन ये मेरे स्तर का नहीं है, राइट। आपके स्तर का क्या है, मैं उनसे नहीं बोलता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बिजनेस को, इस ये बिजनेस है क्या आखिर, इस बिजनेस में हम लोग करते क्या है ये बताइए। हाँ जी हाँ, क्या करते हैं इस बिजनेस में हम लोग, अरे आप लोग एक आदमी बताओ, भाई साहब आप खड़े हो जाओ। हाँ जी दोस्ती का आदम भाई, ये तो सैद्धांतिक बात है, बात सही है, हाँ बात करते हैं, राइट, और दूसरों का भला करते हैं, बिल्कुल सही है, और हाँ जी सेल करते हैं, हाँ और क्या, हाँ जी, अरे अभी बता रहे थे ना कि बचपन से वही काम करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं। एक बच्चे से को दो चॉकलेट और वो देखो खाने के पहले 10 बच्चों को दिखाएगा उसके बाद खाएगा, तो उसने क्या किया आखिर, उसने रिकमेंडेशन की है, उसने विज्ञापन किया है और उस विज्ञापन करने के पैसे मिलते हैं। तो अब आप बताइए कि दुनिया में विज्ञापन कौन कर रहा है, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सफल लोग हैं वो लोग विज्ञापन करते हैं। कौन कर रहा है विज्ञापन, जो सफल लोग हैं वो विज्ञापन करते हैं, अमिताभ बच्चन करते हैं, शाहरुख खान करते हैं, बाबा रामदेव भी करते हैं, है ना, तो बाबा लोग भी करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी एक पहचान बन गई है, उनके कहने की वैल्यू बन गई है, तो वो लोग विज्ञापन करते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ कि आपकी हैसियत इनसे ऊंची हो गई है क्या, और हम भी विज्ञापन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग जो विज्ञापन कर रहे हैं और हम लोग जो विज्ञापन कर रहे हैं, हमको बराबर का पैसा मिलता है अमिताभ बच्चन जी से या कम मिलता है,
हाँ जी, कम मिलता है या ज्यादा मिलता है या बराबर मिलता है? हाँ जी, जी नहीं, बराबर नहीं, हमें बहुत ज्यादा मिलता है। मैं बताता हूं कैसे, बताता हूं आपको। जब अमिताभ बच्चन जी के पास या किसी भी सेलिब्रिटी के पास जब ये बिजनेस, वो कोई प्रोडक्ट जाता है, उनको मालूम है कि इनके कहने से 1,00,000 प्रोडक्ट तो बिक जाएंगे, तो वो जोड़ते हैं 1,00,000 प्रोडक्ट यदि बिके तो अमिताभ बच्चन जी का रेशो कितना। उन्होंने कहा कम से कम 5 करोड़ तो देने चाहिए, और 2,00,000 खबर होता तो 10 करोड़ भी दे देते उनको। तो यदि 1,00,000 का हम उदाहरण समझते हैं, ये मान लीजिए उनके कहने से 1,00,000 प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो उनको कितना मिलता है पहली बार में। उसके बाद तो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो और बिकेगा, नहीं चलेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को तो 1 ही बार पैसा मिला, उसके बाद कब मिलेगा? जब दोबारा विज्ञापन करेंगे, है ना। तो 1 बार 1,00,000 लोगों को बताया और कितना मिला, 1,00,000 लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, कितना पैसा मिला? 5 करोड़। तो आप लोग के कहने से जब 1,00,000 प्रोडक्ट बिकते हैं तो आपको 5 करोड़ मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन 1,00,000 प्रोडक्ट आपने शुरुआत में 10 प्रोडक्ट बिकवाए, उन 10 लोगों के साथ मेहनत की, 100 प्रोडक्ट बिकवाए, 100 लोगों के साथ मेहनत की, 1,000 प्रोडक्ट बिकवाए, 1,000 लोगों के साथ मेहनत की, 10,000 प्रोडक्ट बिकवाए, 10,000 लोगों के साथ मेहनत की, 1,00,000 प्रोडक्ट बिकवाए। जब 1,00,000 प्रोडक्ट बिक जाएंगे आपका बिजनेस का बैलेंस बनेगा 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट, आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं? हाँ जी, 10,000 पे 50,00,000, तो 1,00,000 पे 10,000 पे 50,00,000 तो 1,00,000 पे 10,000 पे 50,00,000 तो 1,00,000 पे, गणित नहीं समझ में आ रहा ना, हजम नहीं हो रहा है। यदि 10,000 लोगों पे 50,00,000 रुपए मिलते हैं तो 1,00,000 प्रोडक्ट बिकवाओगे तो कितने मिलेंगे? तो अमिताभ बच्चन जी के बराबर मिले या कम मिले? अभी तक तो हिसाब बराबर है, लेकिन अब आगे की कहानी। अमिताभ बच्चन जी को दोबारा चाहिए तो दोबारा विज्ञापन करना है। आपको दोबारा विज्ञापन नहीं करना है, आपको केवल बताना है कि मुझे ये पैसे कैसे मिले। आपको लोगों को बताना है कि दोस्त यहीं से जिंदगी बदल सकती है। दोस्त हिम्मत मत हारना, हौसला बनाए रखना। रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रुकना नहीं, लगातार चलते रहना जैसा मैं बता रहा हूँ। और ये बताते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने में सहायक बन रहा हूँ। मैं नहीं बदल रहा हूँ किसी की जिंदगी। लोग कहते जरूर है सर आपने जिंदगी बदल दी, लेकिन मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि मैंने जिंदगी बदली है। मैं तो केवल लोगों के लिए सहायक बन रहा हूँ, और उस सहायक बनने के बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, और वही पैसे आपको भी मिलने हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचिए यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो, जब आपके पास परशुराम जी जैसे 1,00,000 से ज्यादा लोगों की टीम होगी। परशुराम जी की टीम 1,00,000 से ज्यादा है? मरकरी है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पहले भी जिंदगी जी रहे थे, केवल जिंदगी जी रहे थे, अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे। दोस्तों याद रखना, कंफर्टेबल लाइफ हमेशा ग्रेट लाइफ की दुश्मन है। तो हमेशा यदि किसी चीज से हेट करना तो वो हेट है कंफर्ट। कभी भी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज मत करना कंफर्ट के साथ में। जब आप कंफर्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो क्या होता है कि आप ग्रेट लाइफ के दुश्मन हो जाते हो, आपको ग्रेट लाइफ कभी मिल नहीं सकती। तो फिर मैं आता हूं उसी मुद्दे पे कि एक आदमी जब हां कहता या ना कहता तो आपको कितने मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 5,000। अभी क्लियर है मामला? तो अभी यदि मान लीजिए किसी को फोन किया, वहां पहुंच गए, पेट्रोल भी खर्च हुआ, शायद आपने चाय भी पिला ली, खर्च हो गया लगभग 100 रुपए, तो ये 100 रुपए का जाने का दुख तो नहीं गाओगे ना, दुख तो नहीं गाओगे ना, क्योंकि कितने बचे? 4,900 रुपए बचे हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब आप पूरी 1,000 की काउंटिंग कर लोगे तब। आप ये नहीं सोचोगे, क्योंकि जो मजदूर होता है ना उसको दिन की तनख्वाह मिलती है, जिसको लेबर कहते हैं। तो मजदूर दिन पे काम करता है, सुपरवाइजर हफ्ते पे काम करता है, ठीक है। जो बड़े बिजनेस, जो नौकरी वाला, वो मंथली काम करता है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो 10 साल के लिए काम करते हैं। और हमारे जैसे लोग जो जिंदगी बदलना चाहते हैं और जिंदगी बदलना जानते हैं और जिंदगी बदलने में मदद करना जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, जो हम सेफ शॉप में करते हैं। हम अपने वंश का इतिहास बदल रहे हैं, बदल दिया कई लोगों ने, और हम मदद करते हैं कि अपने वंश का इतिहास कैसे बदला जा सकता है।
क्योंकि ये एक आम काम नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा नेता का लड़का क्या बनता है, नेता, ऑफिसर का लड़का, बाबू का लड़का, रिक्शे वाला का लड़का, रिक्शे वाला। तो ये एक दुष्चक्र है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सेफ शॉप ने और आपकी मेहनत ने, आपकी ताकत ने, आपकी संगठित ताकत ने इस दुष्चक्र को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हम लोग मिलकर के इस दुष्चक्र को तोड़ पा रहे हैं, इस गरीबी के दुष्चक्र को हम तोड़ पा रहे हैं। ये सही में समाजवाद है। इसमें एक नए आदमी को भी एक सेल पे 500 रुपए मिलते हैं और डायमंड को भी एक सेल पे 500 मिलते हैं, बराबर, राइट। तो यदि हम बात करें फिर से कि हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो यदि हम डायमंड बन गए, मान लीजिए वो 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के, तो हमको कितने पैसे मिले, 50 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी, हाँ जी, 5000। यदि हमारी टीम 10000 बन गई, तो हमें एक आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाने की कीमत कितनी मिल गई, 10000। आपका काम वही है, अब आप केवल गाइड कर रहे हो, तो अब क्या हो गया, आपकी कीमत डबल हो गई। आपने यदि 40000 की टीम बना ली, तो उसी 1000 लोगों पे आपको कितने मिल गए, 2 करोड़। तो एक आदमी के ऊपर कीमत कितनी हो गई, 20000। तो आपके काम की कितनी कीमत वसूलना चाहते हैं, ये आपके हाथ में, ये कहीं और नहीं है। यदि मेरे वाला गणित समझ में नहीं, आसानी से समझ में नहीं आएगा, अपने अपलाइन से बैठ करके समझ लेना कि आज जिस आदमी को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, केवल 5000 रुपए के लिए नहीं दिखा रहे हो, आप ही अपनी जिंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए दिखा रहे हो। लेकिन हम इतनी ऊपर की बात नहीं आते, हम तो नीचे आ जाते हैं। एक आदमी को प्लान दिखाया, उसने हाँ किया तो कितने मिले, ना किया तो कितने मिले, दूसरे भी ना किया तो कितने मिले, तीसरे भी ना किया तो कितने मिले। अब हम दूसरी जगह की बात करते हैं, सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा है, हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोफेशन है जिसको हम कहते हैं भैया भगवान के बाद आप ही हो, वो कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर बनने में कितने पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, और 5 साल में तो केवल MBBS की डिग्री होती है, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब को फीस कितनी मिलती है, एक MBBS डॉक्टर साहब को कितनी फीस मिलती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो कितने पैसे देते हो, 500। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 500 ले रहा है, यार आपके मोहल्ले में बैठा है MBBS डॉक्टर, 100-200 रुपए ले रहा है, कितने पैसे खर्च करने के बाद। वो जो थोड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो 500 लेते हैं, और मैंने एक दिन मेदांता में पता किया कि वहां जो सबसे बड़े वाले डॉक्टर साहब हैं वो कितने लेते हैं, फोन किया था मैंने, तो पता चला 1200 रुपए कंसल्टेंसी के, जो उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनको कितने मिल रहे हैं एक पेशेंट को देखने के, 1200। और उनको पूरी जिंदगी पेशेंट देखना है, और आपको 1000 पेशेंट गरीबी के देखने हैं। जिस पेशेंट का आपने इलाज किया उसके भी, और जिसका नहीं किया उसके भी, कितने मिलने वाले हैं आपको। कौन सी डिग्री कर ली थी आपने जो नाराज हो जाते हो, भैया ये है ना, इसको कहते हैं ना कि जितनी कहानी सुनाई जाए ना इसकी उतनी कम है। मेरा तो रोम रोम जो है सेफ शॉप के कर्ज से दबा हुआ है, क्योंकि इसने इतनी जिंदगियां बदली हैं। कोई यदि मुझे चैलेंज करता कि सर मैंने 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया और 10000 की टीम नहीं बनी, तो भाई 5000 की बनी, 5000 नहीं 2500 मिल गए एक पे, बुरा है। 1250 की टीम बन गई, हर आदमी पे 1250 मिला, बुरा है, हाँ जी, एक आदमी पे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हो आप, लेकिन मिल रहे इतने पैसे, फिर किस बात का दुख है, दुख होने का तो सवाल ही नहीं है। तो मैं जब आप किसी को दिखाता हूं और जो मेरे को बोलता है दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, मतलब ये मेरे स्तर का बिजनेस नहीं है, मैं बोलता हूं कोई बात नहीं भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलता है क्यों धन्यवाद दे रहे हो आप, मैं बोलता हूं भाई साहब आपने मुझ पर एक एहसान किया है, आपसे मुझे कुछ पैसे मिले हैं। बोले अरे मैंने तो बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो ये बिजनेस करना ही नहीं चाहता, आपको पैसे कैसे मिल गए। मैं उनको बताता हूं ऐसे मुझे 5000 रुपए मिले आपसे, बोलता अच्छा इतना जबरदस्त बिजनेस है, मुझे भी बताओ मैं भी करूंगा।
तो भाई आपकी चीज है, आप इसको कितनी कीमत में बेचना चाहते हो या आपको सीखना पड़ेगा, इसको कितनी वैल्यू देते हो या आपको सीखना पड़ेगा। ये आपकी है, ये बंदी मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो प्यारे खाक की, हमारी मिट्टी लाख की नहीं करोड़ों की है, और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। मेरा मेरे बिजनेस में मेरी टीम साइज आज की डेट में 25 लाख है और 1 करोड़ होने वाली है। आज जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था तो मुझे एक फोन आया, सर मैं आपको लेने आया हूं। तो मैंने बोला आप अपनी कुछ पहचान बताओ जैसे मैं आपको पहचान लूं। बोले नहीं सर, आपको मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूं। मैं बोला आप कौन हो? बोले सर मैं डायमंड अनुज बोल रहा हूं। मैंने बोला आप डायमंड हो? मैं बोला सॉरी, मैं अपने डायमंड्स को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। एक खुद को डायमंड बनने में इतने चैलेंजेस आए थे, इतनी तकलीफ हुई थी, इतने ज्यादा चैलेंजेस लेने पड़े थे, और आज मैं अपनी टीम के डायमंड्स को नाम नहीं याद रख पा रहा हूं। दोस्तों ऐसा आपके साथ भी होने वाला है यदि आप 16 साल तक टिक गए तो। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो डेट यदि मैं याद करूं तो वो डेट है 12 जून 2001। क्या है? 12 जून 2001। उसके बाद बहुत से लोग आए मुझे कहने के लिए कि साहब ये कंपनी में कुछ नहीं रखा है, दूसरी कंपनी में चल चलो। मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद, मैंने बड़े जतन से इस पौधे को बीज बोया है, सींचा है, इतने सारे लोग मेरे साथ में हैं, मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति बनती है। आप भी किसी कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी छोड़ दी आपने, आप जिन 50 लोगों को लाए थे, जिन 100 को लाए थे, जिन 1000 को लाए थे, जिन 10,000 को लाए थे, आपको यदि पैसे कम मिलते हो कोई बात नहीं, क्या आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप किस बिना पे उनको लेकर के आए थे? आप लगातार लगे रहोगे तो जहां हो वहीं झंडा गाड़ोगे, वहीं से पानी निकलने वाला है। यदि आप लगातार खोदते रहे, रुक जाइए, यदि लगातार खोदते रहे, आप लगातार खोदते रहे जमीन का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां नीचे पानी नहीं है। हो सकता है किसी को 10 फुट में पानी मिलता हो, किसी को 100 में मिलता हो, किसी को 200 में मिलता हो, किसी को 3,000 में मिलता हो। तो दोस्त यदि अपने हाथ से अकेले खोदना है ना तो हम थक जाएंगे, लेकिन हमारे साथ यदि सिस्टम लगा हुआ है तो यदि पाताल में भी पानी है तो वहां से भी हम निकाल के लाएंगे और हम डायमंड बन के दिखाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, और भी अच्छा लगेगा जब आप डायमंड बनोगे, क्योंकि जब भी कोई डायमंड बनता है तो मेरा खून बढ़ जाता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे डायमंड बने। मैं चाहता हूं, मैं बहुत फख्र का, अभी तक मुझे बहुत फख्र का अनुभव हो रहा है, लेकिन मुझे और भी फख्र का अनुभव होगा जब यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति डायमंड बनेगा। आप बनेंगे डायमंड, बनेंगे डायमंड, बनेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गो डायमंड।